नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों 67वीं बीपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट आ ही चुका है और इस बार कट ऑफ सबसे हाई गया। अभी तक का जितना भी आपका ये एक तरीके से बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार गया 67वीं बीपीएससी में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, किसी की सोच से भी बाहर था कि इतना ज़्यादा हाई चला जाएगा। और 113 कट ऑफ जनरल का गया है दोस्त, आप सोच सकते हैं। चलिए दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की तैयारी में लग जाइए। 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन कल ही आया है दोस्तों, कल रात में इसका नोटिफिकेशन आ गया है और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। हमने डायरेक्ट उसका पीडीएफ आपके सामने खोल करके रखा है। बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, इस बार जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 68वीं बीपीएससी की जो आप तैयारी कीजिएगा इसमें आपको आपको निगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। 1/4 इसका निगेटिव मार्किंग रखा गया है। सबसे पहले आप देख लीजिए विभाग कौन कौन सा है दोस्तों, और उस वर्ग और किस किस कोटी में कितना वैकेंसी निकला है, न्यूनतम आयु उसका कितना है, सब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। जो सबसे पहला है दोस्तों वो है आपका पुलिस उपाधीक्षक, यानी कि जिसको आप लोग डीएसपी का पोस्ट कहते हैं। ये गृह विभाग का है, लेवल 9 का जॉब है दोस्तों। और इसमें सीट देख लीजिए टोटल कितना सीट है, 20 साल इसका मिनिमम एज है और मैक्सिमम जो है वो आपका 37 साल है। फिर इसको नीचे जिला समादेष्टा का है, जिला अग्निशामक का है, कार्य अधीक्षक का है, फिर आपका राज्य कर सहायक आयुक्त का है, लेवल 9 का, सब जितना है जो दोस्तों आपका यहाँ तक देखिए 14 नंबर तक आपको लेवल 9 का जॉब है। 14 नंबर से नीचे का फिर आपका जो लेवल है वो घट जाएगा, जो कि लेवल 7 का जॉब आ जाएगा, तो देख सकते हैं। और जो वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं है, वैकेंसी टोटल मिला करके 200 समथिंग वैकेंसी आया है। एक बार हम देख लें कहाँ पर लिखा हुआ है टोटल वैकेंसी, टोटल पदों की संख्या 200 कुछ पद है दोस्तों, टोटल 200 समथिंग है। तो आप लोग इस देख लीजिएगा कहीं पर भी, चलिए उसके उस पर नज़र पड़ेगा तो हम आगे बात बताएंगे आपको। चलिए पहले यहाँ देख लीजिए जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपका स्नातक या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। मिनिमम जो योग्यता है आपका स्नातक आपके कंप्लीट होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और इसके अगर समतुल्य परीक्षा में भी अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, आरक्षण जो है, आरक्षण आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो आप जो फॉर्म भरिएगा दोस्तों उसमें जो ऑप्शन होगा आरक्षण का, जो उसमें जो आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उसमें आपको वो पुट करना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। EWS का भी आरक्षण आपको मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है कि जनरल कैटेगरी में जो EWS में आते हैं, यानी कि मतलब गरीबी कोटा में आते हैं EWS के माध्यम से, तो उनको 10% का आरक्षण मिलना वाजिब है, तो वो आपको यहाँ भी मिलेगा। नीचे देख लीजिए आपका जो कोटी है वो सब आरक्षण का कोटी यहाँ पर दिया हुआ है। और हम नीचे चलते हैं, उम्र सीमा तो आपको हम बता ही दिए, मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम जो है दोस्तों आपका 37 साल है जनरल के लिए, बाकी सबका अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उम्र सीमा 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम पुरुष 37 वर्ष, महिलाओं के लिए भी है दोस्तों 40 वर्ष महिलाओं के लिए जो आपका है, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। फिर नीचे चलेंगे दोस्तों, शुल्क जो है, शुल्क आप 600 रुपये लगता है बराबर, ये 600 रुपये ही लगता है। और जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मात्र 150 रुपये है लगेगा, उनको देना पड़ेगा, और बाकी सभी के लिए 600 रुपया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% से अगर उससे ज़्यादा दिव्यांग है उनको 150 रुपये देना होगा सिर्फ। फोटो पहचान पत्र में आपका जो आईडी है, आपका आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर आपके पास आधार कार्ड है वो आप पुट कर सकते हैं, और वही आपको एग्ज़ाम के समय वो लेके जाना मैंडेटरी है। एग्ज़ाम देने अगर आप जब जाइएगा, पीटी का एग्ज़ाम जब भी आपका होगा, एग्ज़ाम भी तो डेट आ ही गया है दोस्तों, फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा, तो आपको अपना आधार कार्ड और या जो भी आपके पास जो आइडेंटिटी का प्रूफ के रूप में है, आधार कार्ड है या फिर आपका पैन कार्ड है या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो आपको लेके जाना मैंडेटरी है, मस्ट है। चलिए प्रारंभिक परीक्षा 1 देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 150 प्रश्न होगी, प्रश्नों की संख्या होगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा, यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है 68वीं बीपीएससी में वो आपका निगेटिव मार्किंग के का ही लेकर हुआ है। अभी तक बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन 68वीं बीपीएससी से आपको निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जो भी आप प्रश्न बनाइएगा सोच समझ करके बनाइएगा दोस्तों, इस बात को आप विशेष ध्यान में रख लीजिए। अब वो ज़माना चला गया, 150 क्वेश्चन 150 मार्क के हम आ गए, अब आपको सोच समझ करके ही बनाना होगा।
यहाँ पर देख लीजिए सब लिखा हुआ भी है। प्रारंभिक परीक्षा केवल महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों के 10 गुनी होगी। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपका जो है तो देख ही लिए इसका। इस प्रारंभिक परीक्षा में जो चलिए छोटा सा सिलेबस भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की बिहार की क्या अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में, फिर आपका बिहार का जलवायु, फिर आपके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। यानी कि टोटल जो 150 प्रश्न है दोस्तों, 150 प्रश्न में आपका 10 प्रश्न आपका मैथमेटिक्स का होगा जो कि आपका 10th लेवल का होगा, और बाकी आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, बिहार का आपका इतिहास, आज़ादी के बाद में जो भी बिहार की जो अर्थव्यवस्था थी वहाँ से प्रश्न रहेगा। यानी कि दोस्तों मोटा मोटी आप यानी कि 4 सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। सबसे पहला तो आपको हिस्ट्री पर फोकस करना होगा, दूसरा आप साइंस पर फोकस कीजिएगा, तीसरा करंट अफेयर्स पर फोकस कर लीजिएगा, और चौथा बिहार पर फोकस कर लीजिए। 4 सेगमेंट को अगर आप बढ़िया से बिहार में तैयारी कर लेते हैं दोस्तों तो आपका बीपीएससी निश्चित रूप से पीटी क्वालिफाई कर जाएगा। मेंस के लिए अपना दोस्तों जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होगा, देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुख्य परीक्षा भाग दो है, यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी जिसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे। सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा दोस्तों, इसे विषय में 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका जो आगे का कॉपी है वो चेक नहीं किया जाएगा। यानी कि हिंदी मैंडेटरी है, अनिवार्य विषय है। और दोस्तों प्रश्न पत्र 1 है, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन तो 2 है। प्रत्येक प्रश्न जो होगा दोस्तों वो 300 अंकों का होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों के लिए विषय कोड 04 से विषय कोड 37 तक से मात्र 1 वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर ऐच्छिक विषय का जो सूची दिया गया है इसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना होगा। यहाँ पर सबका कोड भी लिखा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट है, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को चुन के एज ए ऑप्शनल के रूप में आप उसका भी आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा सब्जेक्ट है दोस्तों, कृषि विज्ञान है, पशुपालन है, पशु चिकित्सा विज्ञान है, मानव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, बहुत सारा है देख लीजिएगा। टोटल 34 सब्जेक्ट इसमें ऑप्शनल के रूप में दिया गया है और सबका कोड भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो जो अपने हिसाब से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन के उसका तैयारी कीजिएगा, उसका भी आपका एग्ज़ाम होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में होगा, जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी में जो जिन्होंने पढ़ाई की है वो अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, प्रश्न दोनों भाषा में ही आएगा दोस्तों। देखा उसके बाद जो आपका भाग 3 है, दो भाग 1 में तो आपका पीटी हो गया, भाग 2 में आपका मेंस का एग्जाम हो गया, भाग 3 में आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों, और ये जो होगा वो आपका 120 अंकों का होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तीसरा नंबर, मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तिगत परीक्षण 120 अंकों का होगा। व्यक्तिगत परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। ये सबको ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। आपको हमने दोस्तों टोटल हमने वैकेंसी बता दिया, आपको हमने आयु बता दिया। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों, यहाँ देखिए फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, यानी कि 25 नवंबर 2022 से लेकर के 20 दिसंबर 2022 तक फॉर्म को भरने का डेट है दोस्तों। फॉर्म को आप जैसे ही डेट शुरू होगा आप फॉर्म को फटाफट भर लीजिएगा, बिना विलंब किए हुए सावधानी पूर्वक भरिएगा। एक बार भरने के बाद री अगेन उसको चेक फिर से कीजिएगा, ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल आपका एड्रेस और सर्टिफिकेट का जो नंबर वगैरह है जो मांगा जाएगा वो सब बढ़िया सब चेक करके भरिएगा। ऐसा ना हो कि आप भर दें और बाद में दिक्कत हो, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उससे बचने के लिए फॉर्म को भरने के बाद री अगेन एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा ज़रूर, और 2 कॉपी इसका निकाल के आप जरूर रख लीजिएगा अपने पास में, इसका जो फॉर्म भरिएगा उसका। बस यही था दोस्तों मोटा मोटी आपका जितना था हमने आपको बता दिया है, फॉर्म का डेट कब से भराएगा, फॉर्म का फ़ी कितना लगेगा, पीटी में क्या क्या सब्जेक्ट होगा, मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, ऑप्शनल में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, हमने आपको सब चीज़ का जानकारी आपको दे दिया है। और टोटल जो सीट की संख्या थी दोस्तों वो आपका 281 है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है टोटल 281,
281 सीट है दोस्तों, तो आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपना मेहनत से जम के तैयारी कीजिए। और साथ में दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएगा, एक प्रैक्टिस सेट आप डेली जरूर, और बीपीएससी का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको एक बार जरूर आपको इजीली मार्केट में आपको हर एक पब्लिकेशन की तरफ से आजकल उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे आप एडिटोरिया का भी मिल रहा है, आप घटना चक्र का भी ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का भी शायद आता होगा तो आप उसको भी देख सकते हैं, और एक प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएगा। इसका एग्ज़ाम भी दोस्तों आपका फरवरी में 22 या 23 फरवरी को, मे बी कन्फर्म नहीं है अभी, 22 या 23 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग समय आपके पास बहुत कम बचा है, इसलिए तैयारी में लग जाइए, जी जान से मेहनत कीजिए, साइंस पर विशेष फोकस कीजिए, हिस्ट्री पर विशेष फोकस कीजिए, आप करंट पर विशेष फोकस कीजिए, और बिहार पर विशेष फोकस कीजिए। चार चीज़ पर आप बढ़िया से फोकस कीजिएगा तो आई होप जो आपका पीटी का एग्ज़ाम है 68वीं बीपीएससी का, वो आपका पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा। मेंस के लिए दोस्तों हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में तो आपको जो हिस्ट्री का जो बुक आता है दोस्तों स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का, वो पढ़ सकते हैं आप। आपका जो बिहार का एक बुक आता है वो पढ़ लीजिए, फिर आपका घटनाचक्र हो गया, घटनाचक्र नहीं, आपका जो एक आता है दोस्तों ज्योग्राफी का, तो आप जीसी लॉन्ग भी पढ़ सकते हैं, जीसी लॉन्ग भी बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल तो एम लक्ष्मीकांत काफ़ी है, मोर देन इनफ है वो, और फिर आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से जो उसका बेस्ट बुक है वो लेकर आप तैयारी कर लीजिए, तो आपका आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वैकेंसी में, जो लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। मेरा प्रयास है दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी जो भाई बंधु हैं, जो दोस्त हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, खास करके बीपीएससी की, तो उनको भी जानकारी मिल जाए, फटाफट वो भी फॉर्म को भर लें और जम के तैयारी में लग जाए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।